बीजेपी की सरकार माताओं बहनों का स्वाभिमान, माताओं बहनों के लिए अवसर, माताओं बहनों के सशक्तिकरण इस रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने बहनों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। टॉयलेट हो, रसोई घर में, किचन में गैस हो या नल से जल हो, इनका अभाव हमारी बहनों बेटियों को ही सबसे अधिक परेशान करता था। आज इसको हम दूर कर रहे हैं। 2014 के बाद से ही देश महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए दो दो चार चार किलोमीटर जाना पड़ता था, आप ये सारी बातें अच्छी तरह जानती हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल देकर के आपका जीवन आसान बनाया है। जब हर घर जल पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साफ पानी जुटाने के लिए गांवों से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले 3.5 वर्षों में देश में नल से जल का दायरा 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर के 11 करोड़ परिवार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर हम सीधा सीधा महिलाओं के नाम पर देते हैं। महिला उसकी मालिक बन जाती है। हमारी सरकार ने देश की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनाया है। ये बहुत बड़ा काम है माताओं का। मुद्रा योजना के तहत भी अभी तक देश भर में 19 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण छोटे छोटे व्यापार कारोबार के लिए दिया जा चुका है। ये जो पैसा है उसमें से लगभग 70% मेरी माताएं बहनें जो उद्यम करती हैं उन्होंने प्राप्त किया है। गर्भावस्था के दौरान कितनी समस्याएं थी ये आप बेहतर जानती हैं। ठीक से खाना पीना भी नहीं हो पाता था, चेकअप की सुविधाओं का भी अभाव था, इसलिए हमने मातृ वंदना योजना शुरू की। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की। 8 वर्षों में देश भर की पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 गुनी यानी 2 लाख से भी अधिक हो चुकी है। केंद्रीय बलों में भी अलग अलग जो सुरक्षा बल है, आज हमारी 35,000 से अधिक बेटियां देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं। दोस्तों, आतंकवादियों को धूल चटा रही है। ये संख्या 8 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है।
हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।